ऋषि तुम ठीक हो? हम ठीक है अर्जुन। क्या हुआ? मारने आए थे ना तुम लोग सब? उठो, बच्चों का फायदा उठाते हो, शर्म आनी चाहिए तुम सबको। अश्विन और दादी क्या वो ठीक है? अश्विन उन्हें बस में लेकर निकल गया। मैं पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। अर्जुन चलो। अब एक सेकंड, मैं अपनी मिश्री की एक भी चीज इस घटिया जगह में नहीं छोड़ना चाहता। सावधानी घटी, दुर्घटना घटी। और कितनी बार अपनी जान बचाओगे? अगर इस बार कोई चालाकी की मिस्टर अवस्थी, तो ये लड़की की जान गवाओगे। हमारे क्लाइंट यहाँ उस माल की वेट कर रहे हैं जो तुमने बर्बाद कर दिया था। लेकिन तेरे चक्कर में हम बर्बाद नहीं होने वाले। तू जा और कुछ भी कर, उन नशीली दवाओं की कीमत क्लाइंट से लेकर आ। पर अर्जुन घड़े से बंधे हुए। जो हाल इसने मेरे आदमियों का किया है, उसके बाद मैं इसको खोल दूं क्या? इतनी मेहनत से माल इकट्ठा किया था, उसकी भरपाई इसे अपने खून से करनी पड़ेगी। इतना दर्द होगा कि तुम भगवान से इसकी जिंदगी की और ये अपनी मौत की भीख मांगेगा। चलो गाड़ी स्टार्ट करो। नहीं, कभी नहीं। सवाल नहीं था, ऑर्डर था। ऑर्डर मानो, नहीं तो मैं इसकी मौत का ऑर्डर निकाल दूंगा। नहीं, 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 गोली मत चला प्लीज। अब जो कहोगे वो हम करेंगे, बस गोली मत चलाना। हम दूसरी गाड़ी में तेरा पीछा कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ गाड़ी भगाना, दिमाग नहीं। वरना तेरे पति को मारने में ना हमें कोई दुख नहीं होगा, समझी? चल गाड़ी स्टार्ट कर। गाड़ी स्टार्ट कर। अगर हमने गाड़ी नहीं चलाई तो ये लोग अर्जुन को मार डालेंगे, चलाई तो ये अनर्थ हमसे ही हो जाएगा। हाय मम्मी, अब क्या करें?
क्या मजाक हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है मैं सर गोली नहीं मार सकता? गाड़ी लेकर जा वरना। हमें 2 मिनट दे दो, हमें मम्मी से बात करनी है। किसकी मम्मी से? सबकी मम्मी से। सबकी मम्मी मतलब माता रानी, और बात मतलब प्रार्थना। ये क्या नाटक कर रही है? फौरन गाड़ी स्टार्ट करो। क्या गाड़ी स्टार्ट कर, गाड़ी स्टार्ट कर लगा रखा है। एक तो तुमने हमारे बेचारे पति को रस्सी से बांध रखा है, बंदूक तानी है, अपने चले किस लफंगी के पास पैसे वसूलने भेज रही हो। डर के मारे हमारे हाथ कांप रहे, और अगर हाथ कांपते कांपते हमने गाड़ी चलाई तो अगर एक्सीडेंट हो गया तो? और तुम्हारे पैसे कौन लाएगा वापस? जो लाखों का माल हमने बर्बाद किया है उसका इल्जाम अपने सर पे कौन लेगा बताओ? बात तो सही है। वही तो, समंदर जितनी बड़ी जिम्मेदारी हम पर डाल दी है, चुल्लू भर हिम्मत इकट्ठा करने का टाइम तो दे दो। देखो मंदिर यही है, हमें 2 मिनट दे दो वरना अपने पैसे वैसे सब भूल जाओ। ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट, अगर कोई चलाकी की तो? ये तो नहीं, मगर आपको देख के हमें लगा ही था कि आप हमारी बात समझोगे। आप तो शक्ल से समझदार लगते हो। थैंक यू। हम अभी आते हैं। अब जल्दी करो। मम्मी, हमें थोड़ी सी मोहलत मिली है, जितना हो सके हमें आशीर्वाद दे तो मम्मी। बस उनकी जान का सवाल है, बिल्कुल भी कंजूसी मत करना।